हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। सो आज हम कुछ अलग चीज़ ट्राई करने वाले हैं। जब भी हम ट्रेडिंग सीखना शुरू करते हैं, द फर्स्ट थिंग विच वी लर्न इज कैंडलस्टिक पैटर्न। वॉट एवर टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर, चाहे आप मोमेंटम ट्रेडर हो, ट्रेंड ट्रेडर हो, ऑप्शन ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, एक्सेट्रा, कोई भी टाइप के ट्रेडर हो, आप सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न ही सीखते हैं, फिर आप अपना स्टाइल डेवलप करते हो। आपने ये सुना ही होगा लोगों को बोलते हुए कि प्राइस एक्शन इज द किंग, जो सच भी है। मैं खुद प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ अपने सेटअप में। बट प्राइस एक्शन ऑल्सो इंक्लूड्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स लाइक इनगल्फिंग पैटर्न, हरामी पैटर्न, या सम ऑफ लाइक ट्रायंगुलर पैटर्न, माउंटेन हिल पैटर्न, और सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एक्सेट्रा। सिर्फ जापानीज कैंडलस्टिक में ही 42 टाइप्स के पैटर्न्स होते हैं। सो आप ही सोचिए इसमें से क्या वर्क करता है, क्या नहीं वर्क करता, आपको कैसे पता चलेगा। ऑब्वियसली नॉट एवरीथिंग वर्क 100%। सो ऑल ऑफ दिस पैटर्न्स हैव देयर एफिशिएंसीज एंड एक्यूरेसीज। सो हम इस चैनल में हम प्राइस एक्शन को भी टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या आप इन पैटर्न्स पे रिलाय कर सकते हो और क्या चीज देखना चाहिए इन पैटर्न्स को ट्रेड करते हुए। सो टुडे वी आर गोइंग टू बी टेस्टिंग वन ऑफ द फेमस कैंडलस्टिक पैटर्न कॉल्ड द इनगल्फिंग पैटर्न। वेल, इनगल्फिंग पैटर्न प्रोवाइड्स अ यूजफुल वे फॉर ट्रेडर्स टू एंटर द मार्केट इन एंटीसिपेशन ऑफ पॉसिबल रिवर्सल और कंटिन्यूएशन इन द ट्रेंड। तो इनगल्फिंग पैटर्न से आपको ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है या रिवर्सल होगा, इसका आइडिया आता है। सो देर आर टू टाइप ऑफ इनगल्फिंग पैटर्न्स एंड दे आर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न एंड बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। बोथ विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। सो एज यू कैन सी इन बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, द बॉडी ऑफ द ग्रीन कैंडल इज कम्प्लीटली इनगल्फिंग द प्रीवियस कैंडल। तो लास्ट कैंडल का ओपन और क्लोज वो अभी वाले ग्रीन कैंडल के ओपन और क्लोज के बीच में ही होगा, बॉडी अभी वाले से छोटा ही होगा। ऑल्सो इन बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न द इनगल्फिंग कैंडल शुड बी अ ग्रीन कैंडल ओनली। सो ये ग्रीन कैंडल होगा तो इसे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न माना जाएगा। सिमिलरली इन बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न, द बॉडी ऑफ द रेड कैंडल इज कम्प्लीटली इनगल्फिंग द प्रीवियस कैंडल। तो लास्ट कैंडल का जो ओपन और क्लोज है वो अभी के रेड कैंडल के ओपन और क्लोज के बीच में ही होगा। सो इन बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न द इनगल्फिंग कैंडल शुड बी अ रेड कैंडल ओनली। सो जो इनगल्फ करेगा वो रेड कैंडल ही होगा, तो इसे हम बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। और जैसे ही नाम से पता चलता है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बाय सिग्नल देता है और बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न सेल सिग्नल देता है। सो आई थिंक दैट्स क्लियर। सो इंट्रो के बाद हम स्ट्रेटेजी पे चलते हैं, जहां हम इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे निफ्टी 50 के इन चार स्टॉक्स में। और इन्हें अपने वेटेज के हिसाब से सिलेक्ट किया गया है ताकि ये निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट कर सके और हमें आइडिया आए ये इंडियन मार्केट में कैसे काम करता है। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं ट्रेडिंग व्यू पे ऐड करता हूँ इनगल्फिंग कैंडल इंडिकेटर करके, आप देख सकते हो ये वाला। रीजन फॉर एडिंग दिस इंडिकेटर इज दैट आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी कन्फ्यूजन दैट दिस इज आल्सो एन इनगल्फिंग पैटर्न और दिस कांट बी एन इनगल्फिंग पैटर्न एक्सेट्रा। कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम ये इंडिकेटर यूज करेंगे जो आइडेंटिफाई करता है इनगल्फिंग पैटर्न। सिर्फ कैंडल स्टिक यूज करना बराबर नहीं है, जनरली ये ट्रेंड पे या किसी इंडिकेटर के साथ यूज किया जाता है, हम वो सब नहीं करेंगे। जरा सा इसको फेयर करने के लिए हम हमारा फेवरेट 200 EMA यूज करेंगे, जो फेक सिग्नल्स फिल्टर आउट करेगा और ट्रेंड का आइडिया आने के लिए भी अपन यूज कर सकते। सो टू फिल्टर आउट फेक सिग्नल्स आई यूज 200 EMA एज अ फिल्टर। सो रूल्स फॉर बाय सिग्नल्स, वी शुड गेट अ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न अबाउट 200 EMA, आई मीन कंप्लीट बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न अबाउट 200 EMA। सो ऐसा वाला नहीं चलेगा जो क्रॉस कर रहा है 200 EMA को। ओके, नेक्स्ट एंट्री विल बी एट द क्लोज ऑफ द ग्रीन कैंडल ऑफ द बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, ये ग्रीन वाला कैंडल के क्लोज पे, एंड स्टॉप लॉस विल बी द लोएस्ट लो ऑफ द बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। सो ये ग्रीन या उसके पहले वाला जो कैंडल है जिसका भी लोवेस्ट होगा वो स्टॉप लॉस माना जाएगा। टारगेट वुड बी 1.5 टाइम्स द रिस्क, सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विल बी 1.5। सो दैट्स आवर बाय सेटअप। सिमिलरली रूल्स फॉर सेल सेटअप, वी शुड गेट अ बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बिलो 200 EMA, सो कंप्लीट बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न शुड बी बिलो 200 EMA। नेक्स्ट एंट्री विल बी एट द क्लोज ऑफ द रेड कैंडल ऑफ द बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न, ये रेड वाला कैंडल है इसके क्लोज पे, द स्टॉप लॉस विल बी द हाईएस्ट हाई ऑफ द बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। सो ये रेड या उसके पहले वाला जो कैंडल है जिसका भी हाई हाईएस्ट होगा हम उसे स्टॉप लॉस मानेंगे, और टारगेट वुड बी 1.5 टाइम्स द लॉस, सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विल बी 1.5 आल्सो। तो ये था अपना सेल सेटअप। तो इस स्ट्रेटजी को हम 100 टाइम्स टेस्ट करते हैं और इसकी असली विन रेट चेक करते हैं। आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट। आप कंप्लीट टेस्ट को यूट्यूब में प्लेबैक स्पीड स्लो करके भी देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द फास्ट फॉरवर्डिंग।
चेस्टर ओवर। जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 100 था, उसमें से 36 वाज विन एंड 64 वाज लॉस। सो विन रेट हुआ 36%, टोटल गेन इन एन अकाउंट वाज -9.39% एंड मैक्स ड्रॉडाउन इज -18.45%। कंटिन्यूस विन इन अ रो वाज 3 एंड कंटिन्यूस लूज इन अ रो वाज 9। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वाज 1 मंथ। तो कहने के लिए कुछ बचता नहीं है, आप सिर्फ इंगल्फिंग पैटर्न से ट्रेड करोगे तो आपको लॉस हो रहा है। ट्रेडिंग जस्ट ऑन इंगल्फिंग पैटर्न इज नॉट रिकमेंडेड। मैं ये नहीं कहता कि इंगल्फिंग पैटर्न काम नहीं करता है, आपके सेटअप में कॉम्बिनेशन के साथ आप यूज कर सकते हो, बट ये टेस्ट रिजल्ट के हिसाब से देखें तो मैं सिर्फ इंगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड के लिए रेकमेंड नहीं कर सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी चीज ट्रेड करने से पहले प्लीज उसको बैक टेस्ट जरूर कीजिए। नॉट एवरीथिंग वर्क्स इन 100%, प्लीज बैक टेस्ट द स्ट्रेटजी एंड देन ट्रेड ऑन इट। आई हैव आल्सो एडेड दिस स्ट्रेटजी इन द गूगल शीट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड दिस टेक्स द लास्ट पोजीशन इन द लिस्ट। यू कैन चेक द लिस्ट एंड रिव्यू और रीवॉच एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी यू लाइक। और कमेंट में जरूर बताना ये हिंदी इंग्लिश वाला कैसा लग रहा है वीडियो, ऐसे ही बनाओ या सिर्फ इंग्लिश वाला रहने दो। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। प्लीज कमेंट में आपकी फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रेटजी आप चाहते हो कि हम फ्यूचर में टेस्ट करें ये भी बताइए। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरे स्ट्रेटजीज की वीडियोस भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट। मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।